नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बात करते हैं स्पोर्ट्स जगत की प्रमुख पांच खबरों के बारे में। पहली खबर के बारे में बात करें तो पहली खबर में है फैंस के लिए बड़ी खबर। यूएई में आईपीएल के दौरान स्टेडियम में देख सकेंगे मैच। जी हां, मैं आपको बता दें, इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन का दूसरा चरण यूएई में 19 सितंबर यानी कि रविवार से शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट के फिर से शुरू होने से ठीक 4 दिन पहले बड़ी खबर सामने आई है। दूसरे चरण के दौरान दर्शक स्टेडियम में जाकर मैच देख सकते हैं। बीसीसीआई ने आईपीएल के वेबसाइट पर बुधवार यानी कि 15 सितंबर को इस बात की घोषणा की है। भारत में हुए पहले चरण के दौरान कोरोना वायरस के कारण ये सुविधा जो है उपलब्ध नहीं थी। हैं अगली खबर की ओर। आईपीएल से हटने वाले डेविड मलान को भारतीय गेंदबाजों से लगा डर। जसप्रीत बुमराह एंड कंपनी को लेकर कहा। जी हम आपको बता दें, पंजाब किंग्स के इंग्लिश बल्लेबाज डेविड मलान का मानना है कि भारतीय गेंदबाज एक दूसरे से इतने अलग हैं कि कोई बल्लेबाज उन्हें खेलने का अभ्यास नहीं कर सकता। मलान ने कहा कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग हैं और जब वो साथ में गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाजों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईपीएल में इस बार 10 विदेशी खिलाड़ी करेंगे डेब्यू। सबसे ज्यादा 4 विराट कोहली की आरसीबी के प्लेयर्स। जी हम आपको बता दें, इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन का दूसरा चरण 19 सितंबर से यूएई में शुरू हो रहा है। सीजन का पहला चरण भारत में खेला गया था। कोरोना वायरस महामारी के कारण सीजन जो है पूरा नहीं हो सका। दूसरे चरण के शुरू होने से पहले कई नए खिलाड़ी टीम में शामिल हुए। दूसरे चरण में 10 विदेशी खिलाड़ी आईपीएल में अपना डेब्यू करने वाले हैं। डेब्यू करने वाले 10 में से सबसे ज़्यादा 4 खिलाड़ी विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी की टीम के। करते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन को है भरोसा। कहा, टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी। जी हम आपको बता दें, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन को विश्वास है कि उनकी टीम आईपीएल 2021 के प्लेऑफ में जगह बनाने में कामयाब होगी। आईपीएल के दूसरे चरण में राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने अभियान की शुरुआत 21 सितंबर को पंजाब किंग्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले से करेंगी। राजस्थान रॉयल्स की टीम भारत में हुए आईपीएल के पहले चरण में 7 मैचों में 3 जीत दर्ज करते हुए अंक तालिका में 5वें स्थान पर है। कप्तान सैमसन अपनी टीम के प्लेऑफ में पहुँचने को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दूसरे फेज के लिए मुंबई इंडियंस ने भरी हुंकार। सीएसके के खिलाफ मैच से पहले रिलीज किया अपना नया टीम एंथम। जी हम आपको बता दें, आईपीएल 2021 के दूसरे फेज का आगाज रविवार को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाले महामुकाबले के साथ होने जा रहा है। हर टीम के खिलाड़ी यूएई पहुंचकर तैयारियों में जुट गए हैं और खिलाड़ियों के साथ साथ जो फ्रेंचाइजी हैं उन्होंने भी अपनी फेज 2 के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी सिलसिले में टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस ने आज दूसरे हाफ के लिए अपना नया एंथम आला रे आला रिलीज किया है। तो स्पोर्ट्स जगत में आज बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।